वेलकम दोस्तों, सब्सक्राइब करें आरआर क्रिएटिव चैनल को और बेल आइकन को दबाएं होममेड टेक्निकल की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है पावर सप्लाई के ऊपर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऑल इन वन पावर सप्लाई बना करके बताऊंगा, जिसमें आप 3 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक पावर निकाल सकते हैं, आपको मिल सकता है उतना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाई है और सारा अच्छे से बताएं, आपको डेफिनेटली ये अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों ये काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप लोग की यूज़फुल की वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके लिए काफ़ी लोगों की कमेंट आती थी, तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बनाया है और ऑलरेडी मैं इसे यूज़ भी करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने SMPS को खोल लिया है और खोलने के बाद उसके जो वायर्स हैं उनको मैं कट कर रहा हूँ, एकदम सीरीज वाइज कट कर रहा हूँ दोस्तों। एक बराबरी वायर को कट करना है, इसके लिए मैं सारे वायर को एक बराबर कट कर रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों जो वायर है और SMPS है उसको मैं ब्रश के थ्रू क्लीन कर लूँगा थोड़ा। और दोस्तों ये SMPS के टॉपिक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो वीडियो के ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने SMPS को ब्रश से क्लीन कर लिया है और उसके बाद जो वायर हैं दोस्तों उनके जो कलर्स हैं मैं कलर्स वाइज उनको अलग कर लूँगा। जो ऑरेंज कलर है उनको अलग, ब्लैक अलग, येलो अलग, इस टाइप से मैं सारे वायर को अलग कर लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने एक ब्लैक वायर और एक येलो वायर लिया है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मेरे SMPS में कूलिंग फैन नहीं था, तो उसको चलाने के लिए मैंने येलो और ब्लैक वायर लिया है, जिससे हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिलेगी और इसमें मैं एक LED भी लगाने वाला हूँ। तो वो येलो और ब्लैक वायर से मैं कूलिंग फैन और LED दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, जिससे हमारा SMPS ऑन होगा तो कूलिंग फैन और वो LED दोनों साथ में जलेगी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मैंने SMPS का जो रेड एंड ब्लैक वायर है वो येलो एंड ब्लैक वायर से कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद जो LED का रेड एंड ब्लैक वायर है तो वो भी मैं सेम उसी तरीके से कनेक्ट कर लूँगा, जिससे हमारा दोनों चीज़ एक साथ वर्क करेगा। और दोस्तों मैंने 12 वोल्ट की ब्लू कलर की LED यूज़ की है SMPS के अंदर, जिससे वो चालू होने के बाद थोड़ा अच्छा लुक देगा हमें, तो इसके लिए मैंने ब्लू कलर की LED यूज़ की। अगर आपके पास हो तो आप भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दोनों वायर पे मैं हीट सिंक लगा दूंगा, और हीट सिंक से दोस्तों ये फ़ायदा है कि हमारे वायर जो कहीं भी टच होंगे तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे, इसके लिए हीट सिंक लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास हीट सिंक ना हो तो दोस्तों आप सेलो टेप या वायर टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनली SMPS के अंदर जो काम था वो पूरा हो चुका है। और दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सारे SMPS के अंदर फ़ैन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, किसी किसी में फ़ैन होते भी हैं दोस्तों, बट मेरी इस SMPS में फ़ैन नहीं था, तो इसके लिए मैं आपको फ़ैन लगा करके उसकी वायरिंग आपको बताया। चलो दोस्तों अब SMPS को फटाफट वापस से पैक कर लेते हैं और इसके स्क्रू जो हैं अच्छे से आप टाइट कर लेना। और इसके बाद अभी दोस्तों मैं इसके जो आउटलेट की जो वायर हैं जिनको मैंने कट किया था, जो कलरफुल वायर हैं, वो मैं अभी अच्छे से उसके सारे कनेक्शन बताऊंगा आपको। दोस्तों ये मैंने 4 इंच बाई 4 इंच का MDF बोर्ड का बॉक्स लिया है, ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा था पहले से, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने ये बॉक्स को बनाया है। तो इसके बाद दोस्तों इसमें मैंने ये मार्किंग की है, इतनी चीज़ों को मुझे कट करना है इस बॉक्स में, तो मैं इसको आपको कट करके दिखा रहा हूँ। कट करने के बाद दोस्तों आप ये बॉक्स में देख रहे होंगे कि DVD या कोई भी ऑडियो प्लेयर के पीछे वो इस टाइप की स्प्रिंग टाइप का लगा रहता है, वो मैंने मार्केट से 5 रुपये में लिया था। और उसके बाद ये जो होल हैं जितने भी छेद हैं दोस्तों, इसमें मैं बनाना पिंस आते हैं तो वो मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ। बनाना पिंस होते हैं जो मेल फीमेल, तो फीमेल वाला जो सॉकेट होगा बनाना पिंस का वो मैं इसमें लगा दूंगा कलर के हिसाब से। और जो रेड कलर होगा वो पॉजिटिव होगा और जो ब्लैक कलर होगा वो नेगेटिव होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, मैंने ब्लैक नेगेटिव को रखा है और रेड को पॉजिटिव रखा है दोस्तों। तो मैंने इस तरीके से बनाना पिन के जो सॉकेट हैं उसको लगा लिया है दोस्तों। अब मैं इसमें स्विच एंड LED भी ले रहा हूँ, और मैंने LED रेड कलर के लिए उसके साथ 1K का रेजिस्टेंस लिया है दोस्तों।
दोस्तों ये जो बनाना पिन है मेल फीमेल जो सॉकेट है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप दुकान से लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, 15 रुपये पैर मिलेगा दोस्तों। अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मैं सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हो आपको जो नहीं मिल रहा है वो सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसके बाद अभी मैंने स्विच लगा दिया है और इसके बाद मैंने ये कॉपर वायर लिया है दोस्तों। दोस्तों मैंने कॉपर वायर इसलिए लिया है कि जो हमारे SMPS के जो सारे कलर वाले वायर्स थे सबको मैंने अलग कर लिए थे, तो उन सबको सोल्डिंग करना हार्ड होगा। इसके लिए दोस्तों मैंने कॉपर वायर लिया है कि उसको सोल्डिंग कर लेने के बाद उसके ऊपर मैं वायर्स को सोल्डिंग कर दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि ऊपर के जो रेड बनाना पिंस के सॉकेट हैं उन दो सॉकेट पे मैं कॉपर वायर को सोल्डिंग कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जो ब्लैक बनाना पिंस के सॉकेट है उसको मैं सीरीज वाइज तीनों को सोल्डिंग कर लूँगा। दोस्तों काफ़ी इजी है कनेक्शन, कोई हार्ड वर्क नहीं है, आपको बस देख के समझना है दोस्तों और आपका भाई है समझाने के लिए। तो दोस्तों बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है प्रैक्टिकली, बाकी आपका भाई आपको समझाने के लिए बैठा है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों मैंने जो सीरीज़ में ब्लैक सॉकेट थे उनको कनेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद अभी मैं दोस्तों जो ऑडियो का मैंने अलग से सॉकेट लगाया है जो मैंने आपको बताया मार्केट से मैंने 5 रुपये में परचेस किया है, तो अभी उस पर भी मैं उसके भी कनेक्शन मैं आपको करके बता दूंगा। उसमें भी दोस्तों जो उसके नीचे का जो ब्लैक पॉइंट है जो नेगेटिव का पॉइंट है उसको मैं जो सॉकेट मैंने लगाया बनाना पिंस के उसी में उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो वो नेगेटिव लाइन एक ही रहेगी दोस्तों, हमें बस पॉजिटिव के कनेक्शन को अलग रखना है, बस नेगेटिव सेम रहेगा दोस्तों। तो जो अभी नेगेटिव का SMPS का जो ब्लैक वायर है वो आप लोग के सामने मैं अभी सॉकेट में कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे हमारे सारे कनेक्शन में नेगेटिव लाइन का वो काम करेगा। दोस्तों SMPS का जो ये नेगेटिव का जो वायर मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो पूरे बॉक्स में जो मैंने पावर सप्लाई का है उसके सारे जो नेगेटिव लाइन है वो एक ही में कनेक्शन मैंने कर दिए हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने येलो कलर का जो 12 वोल्ट का जो हमारा पावर सॉकेट रहेगा तो उसमें मैंने उसको येलो वायर को उसमें मैंने कनेक्ट किया, जो मैंने दो सॉकेट को एक साथ जॉइंट करके रखा था दोस्तों। फिर दोस्तों हमें जो ऑडियो का जो प्लस ऑडियो का जो पॉजिटिव लाइन है वहाँ पर फिर से मैंने कॉपर वायर को सोल्डिंग कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे मुझे अलग से 5 वोल्ट वाला जो हमारा पावर है वो वहाँ पे देने का है दोस्तों। दोस्तों SMPS के जो आउटलेट के वायर हैं जो कलर वाले हैं वो कौन से वायर कितने वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और कितने वोल्टेज उनसे मिलते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कौन से वायर से कितने वोल्ट मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, मैं अभी आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। अभी आप ये ऑरेंज वायर देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑरेंज वायर 3 वोल्ट कनेक्शन का वायर है जो मैंने सॉकेट में लगाया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको स्विच का भी दिखा रहा हूँ, स्विच में भी मैंने नेगेटिव कनेक्शन लिया है और ग्रीन कलर से मैंने स्विच को ऑन ऑफ के लिए रखा है दोस्तों, और मैंने येलो को वो दो सॉकेट में कनेक्ट किया है और जो रेड वायर है वो मैंने ऑडियो का जो सॉकेट लगाया था उसमें मैंने कनेक्ट किया है दोस्तों। इसके बाद अभी हम ये बॉक्स को पैक कर लेते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ का कनेक्शन पूरा हो चुका है। बॉक्स को पैक करने के लिए दोस्तों मैंने फेविकोल का यूज़ किया, जैसा कि मैं हर बार यूज़ करता हूँ दोस्तों, फेविकोल काफ़ी बेस्ट रहता है MDF बोर्ड के लिए, इसके लिए मैंने फेविकोल का यूज़ किया है। आपके पास फेविकोल हो या फेविक्यूक हो तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद जो SMPS के जो वायर बॉक्स के अंदर गए हैं वहाँ पे मैं ग्लू गन लगा दूंगा, जिससे वायर खींचने या झटके में निकले नहीं, जो वहाँ पे फिक्स हो जाए। तो इसके लिए मैं वहाँ पे अच्छे से ग्लू गन लगा लूँगा दोस्तों। तो अगर आपके पास ग्लू गन हो तो आप ग्लू गन लगा सकते हो, या तो आप MSeal हो तो MSeal वहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों। इसके बाद फिर मैं बॉक्स के ऊपर ग्लू गन लगा करके जो हमारा वोल्टेज वाला मैंने बॉक्स बनाया है उसको उसके ऊपर चिपका लूँगा अच्छे से। और इसके बाद आके मैं आपको अभी ये 1x1 चेक करके भी दिखाऊंगा दोस्तों विथ प्रूफ, कि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई फेक वीडियो बनाया है दोस्तों। और वैसे भी मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, मेरे सारे वीडियो रियल होते हैं, और आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर के मेरे और भी सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियो फेक नहीं होते, मेरे सारे वीडियो रियल होते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल के नाम का स्टिकर लगाया है, क्योंकि इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इस SMPS को मैंने खुद चेंज करके इस तरीके से बनाया है दोस्तों। तो इसका लुक आपको कैसा लगा ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। और आपको ये SMPS वाला आइडिया कैसा लगा ये भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने 3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो मैंने इस तरीके से बनाया। और ये सब दोस्तों मैंने सारे सॉकेट को अलग रखा है, क्योंकि अगर आपको एक साथ अगर दो वोल्टेज अगर लेने हो, जैसे कि 3 वोल्ट या 12 वोल्ट, तो आप वो ले सकते हो दोस्तों, और SMPS पे लोड भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये SMPS 220 से लेके 250 वोल्ट पे चलता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को एक ही सजेशन दूंगा कि घर में अगर आप ये बना रहे हो या इसे यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुली यूज़ करो। अगर इसकी वजह से आपकी घर की लाइट चली गई तो आपके मम्मी पापा आपको इतना मारेंगे कि आपकी आंखों के सामने से रोशनी चली जाएगी दोस्तों। जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन खुद की सेफ्टी रखना दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने SMPS चालू करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो SMPS के अंदर मैंने ब्लू कलर की 12 वोल्ट की LED लगाई थी, वो आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्यों लगाया था दोस्तों। बस इसका एक लुक दोस्तों सही में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये ब्लू कलर की LED लगाने के बाद। तो चलो अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके भी दिखा देता हूँ, ये कितना वोल्ट और किस हिसाब से दे रहा है दोस्तों। तो वो सब आपके सामने मैं रियल में आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ कि हाँ रियल में ये वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारे वोल्ट को आपको चेक करके भी दिखा रहा हूँ, और हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों अभी मैं आपको कूलिंग फ़ैन, मोटर और 12 वोल्ट की LED, 4 वोल्ट की LED, सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसमें चेक करके भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और कमेंट करके बताना आपको ये SMPS का जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये इस तरीके से। तो और जो मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे मेरी जो भी नई वीडियोस होंगी उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे खासे वीडियो को लेकर के मैं आता रहूँगा आप लोग के लिए। और आप लोग भी ऐसे ही मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, तो मैं इससे भी अच्छे अच्छे और बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, जो आपके काफ़ी यूज़फुल होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही RR क्रिएटिव की वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।